मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखे हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा नगर निगम पर मुद्दा इसलिए गर्मा जाता है कि दरभंगा नगर निगम के लापरवाही या कुछ कर्मचारी अधिकारी के लापरवाही की वजह से नगर निगम की बदनामी हो रही है। जमाल हसन हमारे साथ हैं। कुछ दिनों से जब नगर निगम के वार्ड पार्षद में जब ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी माता का, जाकर देखते हैं तो कई खामियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। जमाल जी, आपके नगर निगम तो बदनाम हो रही है, आप नगर निगम में रहते हुए आप ही की ज़मीन आप ही के लोगों के द्वारा बेच दी जा रही है और आप खामोश हैं। कोई खामोशी नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो वार्ड 11 की पार्षद ने इस मामले को लेकर दरभंगा तो छोड़िए पटना तक उन्होंने आवाज़ उठाया, उसके बाद महापौर ने इसमें संज्ञान लिया, नगर आयुक्त ने संज्ञान लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 5 बार 6 बार से यहाँ के विधायक अब तक इस मामले पर उनकी मुंह नहीं खुली है, उनकी चुप्पी अब तक समझ में नहीं आती है। नगर आयुक्त इस मामले में संज्ञान ले लिए, DM ने इस मामले में संज्ञान ले लिया, महापौर ने इस मामले में संज्ञान ले लिया, वार्ड पार्षद ने संज्ञान ले लिया, तो नगर विधायक का काम क्या है? नगर विधायक इस मामले पर मुंह क्यों नहीं खोल रहे? क्या उनके कोई जानने वाले ने वो जमीन लिया है या उनके ही इशारे पर यह काम हुआ? उनके चुप रहने का मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पार्किंग का स्थल जिसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, उसको एक कम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, उसको एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स, खासकर उसके सामने जो दुकानदार बेचारे जो कटघड़ा लेकर बैठे हुए हैं, जो नाले पर दुकान है, उसको ही कम से मार्केट बना के दे देते, उनको ही मान लीजिए रोजगार का ऑप्शन तो दे देते। इस तरह से आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा तेवर में बोलते हैं, तो अब क्यों नहीं बोलते कि वहाँ बिजनेस कम्प्लेक्स बने ताकि वहाँ सैकड़ों नीचे में पार्किंग हो, ऊपर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पर बन सकता बिजनेस? ऐसे कहा जाता है कि जो दरभंगा टावर के आसपास जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो नहीं चाहते हैं कि नगर निगम वहाँ के, ताकि उनका बिजनेस असर करेगा, इसलिए कुछ लोगों को लगाए हुए हैं। आप एक बात बताइए, बड़े बड़े दुकानदार क्या नगर निगम को चलाते हैं? ये काम तो यहाँ के नगर विधायक को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि जो जो जगह सरकारी था उसको वहाँ दुकान बनवाना चाहिए था। दूसरी बात, आप कहते हैं पार्षद की तो पावड़े कितनी है उतना तो आपको पता है, सिर्फ हम लोग को नाला रोड सफाई करने के लिए छोड़ दिया गया। अगर हम लोग कोई चीज़ लिख कर भी देते हैं, कम से कम नगर विधायक जो हर मीटिंग में नगर निगम में मौजूद रहते हैं उनको तो चिन्हित करना चाहिए। हसन चौक पर वो जो ज़मीन खाली पड़ी, मैं कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मेरा नगर विधायक से मांग है, यहाँ के सांसद से मांग है कि वो जो जगह जो पार्किंग जो आज जो विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि सरकारी जमीन की भी लोग आश्चर्य लगता है, सरकारी जमीन का भी जमाबंदी हो गया और किसी ने करवा लिया, तो अब अगर ईमानदारी है नगर विधायक और सांसद इस क्षेत्र की जनता का भला चाहते हैं तो उस जगह पर एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बना सकते तो आगे से मार्केटर बना दीजिए ना। जो बेचारे फुटपाथ पे दुकानदार हैं, रेला ठेली पर जो दुकान चला रहे हैं, उन लोगों उस वजह से अतिक्रमण भी हसन चौक का कम होगा, दुकानों की वजह से ना अतिक्रमण ज़्यादा है, जो बराबर रोड जाम होता तो वहाँ दुकान बना कर दे दीजिए मार्केट में, अंदर पार्किंग हुआ, जब आपको फंड आएगा या बिहार सरकार से बात करके वहाँ मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन इस मामले पर नगर विधायक को चुप नहीं होना चाहिए था। जहाँ नगर आयुक्त इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, महापौर बोल रही है, वहाँ की पार्षद बोल रही है और सभी पार्षद इस मामले पर मुखर है, क्योंकि डर सबको हो रहा है। सरकारी ज़मीन का जब जमाबंदी हो सकता है तो नचली बात है कि हमारी आपकी किसी की भी प्राइवेट ज़मीन खाली पड़ेगी तो उसका भी जमाबंदी करके लोग कब्जा करना चाहेंगे, यह गलत चीज़ हुआ है। आज नगर निगम एक जगह नहीं, कई जगह दरभंगा नगर निगम के तालाब थे, कई ज़मीन है, उस सब का अतिक्रमण हो गया है। कुछ ऐसे जो नगर निगम के दुकान थे, दुकान को भी अलग अलग नामों से बंद पड़े हैं अभी भी। देखिए, ये जो मार्केट बना है आपके सामने, अगर इसकी जांच कर ली जाए, देखिए ये लोकेलिटी है तो इस पर अगर मान लीजिए यहाँ के किसी भी अगर मिलना चाहिए था लोगों को तो वार्ड 10 या वार्ड 20 के लोगों को, लेकिन अगर इस दुकान की अगर जांच कीजिएगा तो बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ के हैं भी नहीं, या तो लहरियासराय के मिलेंगे या मधुबनी के मिलेंगे। कम से कम जिस क्षेत्र में सरकारी जगहों पर दुकान बनता हो वहाँ के लोगों का हक बनता है, क्योंकि गरीबी हर जगह मौजूद है। आज आपको भी मालूम है कि कितने परसेंट अमीर लोग हैं पूरे इंडिया में और कितने परसेंट, सिर्फ 102-104 कॉरपोरेट गणाना, सब अमीर नहीं है, तो ज़रूरत सबको दुकानदार। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते इसकी, आवाज़ क्यों, क्योंकि ये दुकान तो बंद देखे जाते हैं इसमें। नहीं नहीं नहीं, आवाज़ आप एक बार जान लीजिए, आप ये जान लीजिए इसमें जो दुकानदार ऑनर है ना, पता कीजिए कि ऑनर कौन है और दुकानदार चला कौन रहा है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर आपको दुकान नहीं चाहिए तो आप दुकान मत लीजिए।
दुकान क्यों लिया आपने चलाने के लिए? आप उसका किराया उठा रहे हैं, किसी और को आपने दुकान पकड़ा दिया, उससे आप वसूल रहे। आप नगर निगम को एक सीमित जो है राशि दे रहे हैं और आप 8,000-10,000 उठा रहे हैं, ये आप पता कर लीजिए। टोटल का आपको वही कहानी मिलेगा। वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए, कहाँ से, इस इलाके के भी नहीं है, कहाँ से उनको उस जगह पर मिल गया था, ऐसी जाँच करने जाएगी। नगर निगम में है, लेकिन इस मामले को कौन देखेगा? इस मामले को देखने का काम अगर है, हम पार्षद होने की वजह से हम आवाज़ उठा रहा है आपके सामने। हमने इस बात को बोला भी, हम नगर निगम में जाके हम 3 महीना पहले बोले कि जितने भी लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जितने भी मार्केट है, कि वो जो दुकानदार जिनको जिनके नाम से अलाट हुआ वो दुकान चला रहा है कि कोई और चला रहा है, इसका जाँच होना चाहिए। लेकिन इस मामले पर संज्ञान तो सबसे पहले विधायक को लेना चाहिए था, इस मामले पर संज्ञान सांसद को लेना चाहिए था, क्योंकि आपको वोट इस पूरे शहर के क्षेत्र के लोग देते हैं। तो ये काम आपका ही बनता, सिर्फ नगर निगम पर टिकड़ा फोड़ देना कि नगर निगम की गलती है, नगर निगम डिफॉल्टर है, तो ये गलत वाली बात है, ये कहीं से औचित बात नहीं है। इस मामले पर और अभी भी उस जमीन के मामले, पार्किंग वाले मामले पर आप ही मीडिया वाले हमको बता दिए कि विधायक ने इस मामले पर क्या आप लोगों को बुलाकर कोई बात किया है, या आपके सामने विधायक ने कोई बात रखा इस मामले पर कि पार्किंग का जो इस मामले का है इसे कैसे जमाबंदी हो, क्या आपसे बात हुई? मुझे आप बता दीजिए ना, आपसे कोई बात हुई इस मामले पर? नहीं हुई अब तक ना, हमने विधायक का कहीं कोई बयान सुना। हाँ, लेकिन वहाँ की पार्षद यहाँ DM से मिली, नगर आयुक्त से मिली, उसने पटना जाके जो है राजस्व जो है भूमि विभाग मंत्री है उनसे मंत्रालय में भी मिली, तो भाई वो सिंसियर है, लेकिन ये काम तो विधायक का। वहाँ क्या होना चाहिए जो नगर निगम के लिए अच्छा सा राजस्व का अवसर देता है? बिल्कुल, बहुत विरोध हो रहा है। बिल्कुल, अगर वहाँ अगर बना दिया जाए मार्केटिंग कम्प्लेक्स, हमको लगता है बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और मुझे लगता है कि अच्छी कमाई होगी। आज जो आप एक पार्किंग 50 रुपये का पर्ची काट रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी जगह, और अगर उसमें कई बड़े बिजनेसमैन जो दरभंगा टावर के चाह रहे हैं और उसकी वजह से आप चाह रहे हैं गरीबों का भी उद्धार नहीं हो, तो ये गलत है, इसका होना चाहिए। और आप जो ये चीज़ें देखते हैं, ये देख लीजिए, ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है जहाँ आप मेरे साथ बैठे, उसके रोड की हालत देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें ये नगर निगम के अंदर नहीं, ये विधायक के अंदर में, तो इन चीज़ों पर कौन ध्यान देगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पर बहुत सारे मामले पर हमारे सांसद चुप हैं, विधायक चुप हैं। उनको अगर कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल मिलेगा तो सांसद विधायक दोनों का मुँह खुल जाएगा हिंदू मुस्लिम के एंगल पर, लेकिन विकास की बात जहाँ आएगी, डेवलपमेंट आएगी, वहाँ उन लोगों को नदारद देखिएगा। अच्छा, अंतिम सवाल, अब आप लोगों का जो काम है, आप लोगों का जो बहुत प्रभाव था वो अब नगर निगम बंद कर दिया, यानी कि अब जो सरकार निर्देश देगी पार्षदों की बात नहीं सुनी जाएगी, पार्षदों को केवल आपने कहा नल सफाई फाई बस यही देखना है, आप लोगों की मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उसको राज्य सरकार नहीं मानेगी, नगर विकास नहीं मानेगी, आप लोगों का वैल्यू कम कर दिया गया, ये नया नियम जो है। देखिए, तो हमारा कहना है कि वार्ड पार्षद का चुनाव भी बंद करवा देना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है वार्ड पार्षद का चुनाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब आप उसको पावर दिए ना, वैसे भी नाला रोड के अलावा हम लोग का कोई काम बचा नहीं था, नाला सफाई करवाना, रोड सफाई करवाना यही काम था, तो वैसे भी जब पावर सीज कर रहा है तो वार्ड पार्षद का चुनाव ही बंद कर दे, क्या फ़ायदा वार्ड पार्षद बना के? एक तो हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं बिना किसी समर्थन के, अपने चेहरे अपने वजूद पर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जीत कर भी जाएं, और वहाँ का काम जनता हमसे तो काम खोजती है ना, हमको सब मालूम है ना कि इसको क्या प्रॉब्लम है, जनता हमारे घर पर दौड़ती है, हमारे पास आती है, वो हमसे खोजती है। अब वो बिहार सरकार थोड़े जानने जा रही है, वो AC में बैठे मंत्री थोड़े जानने जा रहे हैं कि नीचे में किस वार्ड में क्या दिक्कत है, कहाँ पानी की समस्या, कहाँ पानी निकालने की समस्या, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ नाला बनाना है, ये कहाँ से बिहार सरकार को पता रहेगा? वो अपनी मन मर्जी से चलाना चाह रहे थे वार्ड पार्षद का चुनाव बंद कर दे, खत्म कर दे, क्या जरूरी है वैसा रखना, वैसे भी कोई पावर है नहीं, इसको तो खत्म कर देना चाहिए वार्ड पार्षद के चुनाव को। तो चलिए हम बता दें, दरभंगा नगर निगम की जमीन को लगातार यहाँ पर जो अतिक्रमण भी किए जा रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं, नगर निगम शांत है। इसके बाद सबसे जो बड़ा मुद्दा है कल हम उठाएंगे, क्योंकि पार्षदों की जो भूमिका है, पार्षदों का जो अधिकार है उसको कम कर दिया गया है, यानी कि अब पार्षद नाम मात्र के रह जाएंगे, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। लगातार हम दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।